नमस्कार भक्तों, कैसे हो आप सब। भक्तों, आज मैं फिर आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगी कि आपको अपने पति को कैसे वश में करना है। जी हाँ, आप अपने पति को कैसे वश में करेंगी, उनके बालों से। मतलब आपको उनके बाल लेने हैं, उससे आप अपने पति को वश में कर सकती हैं। भक्तों, ऐसा होता है कि आपका पति बहुत झगड़ा करता है आपसे, आपकी बातें नहीं सुनता, या हो सकता है कि वो आपको छोड़ के ज्यादातर बाहर रहता हो। आप इस चीज से बहुत परेशान हो चुकी हो, तो घबराइए नहीं। मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको अपने पति को कैसे वश में करना है, कैसे आपको अपनी बात उसके सामने मनवानी है, या यूँ कहे कि आपके पति का बाहर किसी दूसरी स्त्री से अफेयर चल रहा हो। तो परेशान न होइए, आपके इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। आपको बताऊंगी कि इस वीडियो के द्वारा आप अपने समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएंगे। तो इस विधि को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सामग्री चाहिए। पहले तो आपको बाल लेने हैं, जी हाँ, वो भी अपने पति के। लाल सिंदूर लेना है। अब आपको मैं बताती हूँ कि इस विधि को कैसे करना है। सबसे पहले इस बालों में से आपको अपने पति का एक बाल लेना है। इस तरह से बाल को अपने बाएं हथेली पे रखना है। आपको अपने दाएं हाथ के अनामिका उंगली से उस पे ऐसे सिंदूर लगानी है। उसके बाद आपको उसे इस तरह से दूसरे हथेली से इस तरह से ढकना है। भक्तों, ध्यान रहे, आपको इस वशीकरण मंत्र का कम से कम 111 बार जाप करना है। जाप करते समय आपको हथेलियों को इस तरह रखना है अपने सामने, और आंखें बंद करके रखनी है इस तरह। मंत्र का जाप करते समय आपके पति की छवि आपके मन में होनी चाहिए, तभी यह असर करेगा, नहीं तो इसका असर नहीं हो पाएगा। इस तरह से आपको हथेली को खोलना है, उस बाल को ले जाकर आपको अपने पति के तकिए के नीचे रखना है। भक्तों, आपको ये सब करते हुए कोई देख ना पाए, और आपके पति को बिल्कुल भी इस बात का भनक ना हो कि आपने उनके तकिए के नीचे कुछ रखा है। इस तरह से आपके पति आपके बात तो मानेंगे ही, आपके वश में आ जाएंगे। वो आपकी हर एक बात को मानेंगे, फिर से वो आपको उसी तरह प्यार करेंगे जैसे आप नई नई दुल्हन बन के आई थी। तो भक्तों, आपको इस मंत्र के बारे में जानने के लिए हमारे नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करना है। यह हमारे गुरुजी का नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल करके मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो रही हो इस विधि को करने के लिए, तो आप हमारे गुरुजी को कॉल करिए, उनसे सलाह लीजिए, वो आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। अब मैं आपसे विदा लूंगी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।